एपीजीपी मैंने जैसे रिकॉर्डिंग भेजी थी आपको, तो उस रिकॉर्डिंग में हमने ये देखा था कि एक एपी अगर हमारे पास है 2, 5, 8, 11, दिस इज एन एपी, एंड लेट्स से वी हैव 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन, दिस इज अ जीपी। एपी का जो एंथ, एपी के जो टर्म्स है वो अपन कैसे लिख दें, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। और जीपी के टर्म्स कैसे होते हैं, 1 आर, आर स्क्वेयर, आर क्यूब एंड सो ऑन। तो एपी जीपी कैसा दिखता है, एपी जीपी इट्स अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो 2 into 1, 5 into 3, आपको मल्टीप्लाई करते जाना है टर्म्स को, 8 into 9, 11 into 27 एंड सो ऑन। तो इन जनरल एपी जीपी का स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे दिखेगा, ए प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा ए, उसके बाद अगला टर्म होगा, तो हमने ए और वन को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस डी इंटू आर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस थ्री डी इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। फिर हमने ये बोला कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अगर ये डेरिवेशन क्लियर भी नहीं है तो भी ठीक है, आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहता है इट्स गुड इनफ। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी जी पी इज ए अपॉन वन माइनस आर, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे आता है प्लस डी आर, वन माइनस आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर द होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे आता है आर रेस टू एन अपॉन वन माइनस आर। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है और रिपीटेडली इसको यूज करते जाना है। यहाँ पे ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, यहाँ पे डी क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी एंड व्हाट इज आर ओवर हियर, आर इज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ऑफ जी पी। नाउ इसमें एक और चीज आपको नोट ये करनी है, इसमें नोट आपको ये करनी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जो जीपी है, ये जो जीपी है, जीपी का फर्स्ट टर्म, जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो हमको वन लेना है, या वो वन होना चाहिए, इट शुड बी वन, इट शुड बी वन। तो हम लोग जैसे जैसे अब सम्स में ये फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.5, फाइंड SN। तो हमारे पास 2 दिया है, 4x दिया हुआ है, 6x square दिया हुआ है, 8x cube दिया हुआ है, 10x raised to 4। तो यहाँ पे आप AP वाला सीक्वेंस अलग कर दो, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो GP का सीक्वेंस है उसको अलग कर देंगे, 1x, x square, x cube, x raised to 4। यहाँ से A मिलेगा, A का वैल्यू है 2 एंड कॉमन डिफरेंस है 2 और यहाँ पे कॉमन रेशियो है x। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का जो फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, a अपॉन 1 माइनस r, उसके बाद आता है प्लस डी आर, सो d इंटू आर इंटू 1 माइनस r रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r द होल स्क्वायर। फिर आता है माइनस sin, माइनस साइन आती है, फिर आता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको ये तीन वैल्यूज यूज करते जाने उस फॉर्मूले में, इंटू आर रेस टू एन, आर मतलब एक्स रेस टू एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, ये इसका आंसर है, दिस इज द आंसर।
ओके ये सम बताओ क्लियर हुआ? बहुत ही इजी है, एक सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसमें आपको एपी और जीपी उसके जो वैल्यूज है ये तीन वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं एंड यू विल गेट द आंसर। So we'll move on to the next sum. We'll first give priority to completing this exercise today. फिर अगर आपके doubts हैं तो वो देखेंगे। तो 1 4x 7x square 10x cube and 13x raised to 4 देखते जाओ कि हर एक सम कैसे सॉल्व हो रहा है, मे बी आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे ए पी का पार्ट है 1 4 7 10 13, जी पी का पार्ट है 1 x x square x cube x raised to 4, एपी और जीपी को अलग कर दिया हमने। सो आप लिखो अब ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है, लिखो एंड चैट बॉक्स में लिख के बताओ। What is A over here? A मतलब पहला टर्म, AP का पहला टर्म, D मतलब कॉमन डिफरेंस एंड what is कॉमन रेशियो। तो चलो मैं लिखते जाता हूँ, यहाँ पे A is 1, कॉमन डिफरेंस 3 है, यहाँ पे AP का कॉमन डिफरेंस 3 है और कॉमन रेशियो GP का, ये GP है, this is a GP, इसका कॉमन रेशियो है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सो इट इज एक्स। नाउ विल अप्लाई एस एन फॉर्मूला, ए अपॉन 1 - r प्लस डी आर 1 - r raised to n - 1 डिवाइडेड बाय 1 - r द होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर रेस टू एन अपॉन 1 - r, ये आप अप्लाई कर दोगे यहाँ पे, सो दैट विल गिव यू a अपॉन 1 - r प्लस डी आर 1 - r raised to n - 1 डिवाइडेड बाय 1 - r द होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय 1 - r। तो इसको आप सिंप्लीफाई आगे इतना कर सकते हो, 1 - x + 3x 1 - x raised to n - 1 divided by 1 - x the whole square minus. Now if you simplify this, you'll get 3n - 2. R नहीं, यहाँ पे आएगा x raised to n. This is x raised to n divided by 1 - r. ये इसका आंसर है. So आगे बढ़ते हैं, 3, 12, 36, 96 एंड सो ऑन। अब आपको मुझे बताना है यहाँ पे एपी क्या है एंड यहाँ पे जीपी के टर्म्स क्या होंगे, एपी और जीपी यहाँ पे मल्टीप्लाइड है। ट्राई करो, टेक सम टाइम, थिंक ओवर दिस। यहाँ पे एपी क्या पार्ट है, जीपी क्या है, तो देखते हैं किन किन को आ गया आंसर। चलो कुछ बच्चों ने आंसर्स लिखे हैं, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये जो थ्री है, पहला टर्म थ्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट अस सी।
सो दिस 3 कैन बी रिटन एज 1 into 3. फिर ये 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 6, 2 6 are 12. ये डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन है. फिर ये 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 into 12, ऐसा लिख सकते हैं. फिर ये 96 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 24. ठीक है, ये डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे डॉट इज मल्टीप्लीकेशन. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे ये 1 2 3 4, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दिस इज AP. एंड यहाँ पे जो दूसरा सीक्वेंस है ये वाला 3 6 12 24, 3 6 12 24 एंड सो ऑन, दिस इज GP. यहाँ पे GP का अपने को कॉमन रेशियो चाहिए, बट देखो इसका इशू क्या है, इसमें जो पहला टर्म है, पहला टर्म 1 नहीं है, ये जो GP है इसका फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए. जो हमने वो फॉर्मूला डिराइव किया है SN वाला, उस SN के फॉर्मूले में A अपॉन 1 माइनस R प्लस डी आर 1 माइनस R रेस टू N माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R द होल स्क्वायर माइनस A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अजम्पशन, इसमें अजम्पशन ये था कि GP का जो कॉमन रेशो है, GP का कॉमन रेशो, GP का कॉमन रेशो नहीं, GP का फर्स्ट टर्म, GP का फर्स्ट टर्म हमने क्या लिया हुआ था, 1 लिया हुआ था इसके डेरिवेशन में. GP का फर्स्ट टर्म वॉज इक्वल टू 1, बट यहाँ पे GP का फर्स्ट टर्म 3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है 3 12, उसके बाद अगला टर्म है 36 96 240 एंड सो ऑन, ये जो दिया हुआ है इसमें आप 3 कॉमन निकाल दो. सो इफ यू टेक 3 इन कॉमन, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे 32 एंड सो ऑन, 3 हमने कॉमन निकाल दिया. यहाँ पे अगला टर्म होगा, ऐसे टर्म्स को, ऐसे टाइप के जो सम्स है उनको टाइम लगेगा, सो यहाँ पे 80 आ जाएगा. ओके, तो ये क्लियर हुआ, ये हमारे पास जो सीक्वेंस दिया हुआ था हमने 3 कॉमन निकाल दिया इसमें से. इज दिस थिंग क्लियर? All of you comment whether this thing is clear. Okay, so ये 3 को हम लोग बाहर ही रखेंगे. अब इसका जो AP का पार्ट है और ये जो GP का पार्ट है उसको अलग कर देंगे. So AP एंड GP का जो पार्ट है उसको सेपरेट आउट करते हैं. सो यहाँ पे AP का पार्ट है 1, चलो इस सीक्वेंस को हम लोग ऐसा लिखेंगे 1, उसके बाद 4 को लिखेंगे 2 into 2, 1 को लिखेंगे 1 into 1, उसके बाद 12 को लिखेंगे 3 into 4, 32 को लिखेंगे 4 into 8, 80 को लिखेंगे 5 into 16 एंड सो ऑन, ऐसा लिख देंगे. सी दिस 1 इज रिटन लाइक दिस, 4 को ऐसे लिखा गया है 2 into 2, 12 को लिखा गया 3 into 4, 32 को लिखा गया 4 into 8, 80 को लिखा गया 5 into 6. नाउ ऑब्जर्व, यहाँ पे पहला जो टर्म्स है 1 2 3 4 5, ये AP है. सो यहाँ से अपने को AP मिलेगा, AP इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. और यहाँ पे जो GP का पार्ट है, GP का पार्ट क्या है, देखो यहाँ पे 1 into 2,
2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16. So yahan pe hai 1, 2, 4, 8, 16. फाइन, तो अब एपी का पैरामीटर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये थ्री को तो बाहर ही रखेंगे, यहाँ पे हम लोग एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हम लोग एसएन का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। फाइन, तो यहाँ पे ए का वैल्यू है 1, कॉमन डिफरेंस है 1, कॉमन रेशियो है 2, ऐसे टर्म्स आ रहे हैं। तो अपना आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 3 ऑलरेडी बाहर है, अंदर एसएन का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। सो आंसर आएगा, अच्छा ए इज 1, डी इज 1, आर इज 2, तो एसएन के फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। सो द आंसर विल बी 3 टाइम्स, तो यहां पे क्या आता है, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन माइनस 1 by 1 minus r square, 1 minus r the whole square, minus a plus n minus 1 into d r raised to n divided by 1 minus r. sn का हमने formula apply कर दिया 3 common निकाल के, so this is 3. अच्छा 3 क्यों common निकाला, क्योंकि मुझे gp का पहला term 1 चाहिए उसके लिए। वो क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो एसएन का फॉर्मूला डिराइव किया गया था तब हमने अज्यूम किया था कि जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, इसलिए हमने ये सब किया। सो नाउ दिस इज माइनस 1, यहाँ पे आएगा प्लस 2, 1 माइनस 2 रेज टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको अगर आप सॉल्व करो, ये जो ब्रैकेट है, इफ यू सॉल्व दिस ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 रेज टू एन डिवाइडेड बाय माइनस 1। सो जो टर्म्स बच रहे हैं यहाँ पे दे आर लाइक दिस, 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू एन माइनस 1, इस 2 को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट होगा, एन इंटू 2 रेज टू एन। Finally, the answer is 3 into. Now 2 minus 1 is 1. यहाँ पे base same है, तो powers combine हो जाएंगे, 2 raised to n आ जाएगा, plus n into 2 raised to n. So that is 3 into 1 plus 2 raised to n बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे आएगा n minus 1. This is the final answer. जिन जिन को क्लियर हुआ हो, नहीं क्लियर हुआ हो, जो भी आपका फीडबैक है लिख के बताओ। अब तक जो हम लोग करते आए थे वही सम में हमने किया हुआ है, थोड़ा मॉडिफिकेशन है, जीपी का फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए इसलिए हमको 3 बाहर निकालना पड़ा, हमने एपी अलग किया, जीपी अलग कर दिया और एसएन का जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो अप्लाई कर दिया। ओके, हम लोग लेक्चर के बाद देखेंगे और इसको एक और बार रिवाइज करेंगे, तब तक जितना हो सके समझने की कोशिश करो हर सम में। एक एसएन का आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी ना, उसमें एसएन का एक फॉर्मूला मैंने डिराइव किया हुआ है, वही एसएन का फॉर्मूला हम लोग लगाते जा रहे हैं, तो अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो देख के आओ उसको। नेक्स्ट इज फाइंड द सम टू इंफिनिटी, हमको एस इंफिनिटी निकालना है एपी जीपी का। अभी देखो एसएन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, ये रिकॉर्डिंग में मैंने ये भी बताई थी, 1 ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर रेज टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर द होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। नाउ इफ यू मेक एन एज इंफिनिटी, एन को अगर आप इंफिनिटी रख देते हो तो r रेज टू इन्फिनिटी हमने डिराइव किया, इट इज जीरो, तो s इन्फिनिटी का फॉर्मूला कैसे बनता है, a अपॉन 1 माइनस r प्लस डी आर। तो यहां पे क्या आएगा, 1 माइनस r रेज टू इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r द होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड r रेज टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस r।
दिस इज ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर इंटू वन, ये बनेगा जीरो क्योंकि आर रेस टू इन्फिनिटी इज जीरो. वन माइनस आर द होल स्क्वायर माइनस आर रेस टू इन्फिनिटी इज जीरो, ये पूरा टर्म जीरो बनता है. सो दिस इज जीरो. तो आपको याद रखना है एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर द होल स्क्वायर, और यही आपको अप्लाई करते जाना है नेक्स्ट आने वाले सम्स में. तो क्वेश्चन नंबर टू, साइन सम टू इन्फिनिटी हमको निकालना है एंड टर्म्स आर लाइक दिस, वन टू बाय फोर, थ्री बाय सिक्सटीन, फोर बाय सिक्सटी फोर एंड सो ऑन. चलो ट्राई करो. एस इन्फिनिटी आपको निकालना है, एस इन्फिनिटी के लिए आपको ए चाहिए, आर चाहिए, डी चाहिए, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. तो यहाँ से फाइंड आउट करो कि ये ए क्या है, डी क्या है यहाँ पे एंड आर क्या है. तो उसके लिए आपको एपी अलग करना पड़ेगा और इसमें का जो जीपी कंपोनेंट है, जीपी का पार्ट है, वो अलग करना पड़ेगा. सो ट्राई इट आउट. एपी क्या है, व्हाट इज जीपी ओवर हियर. नहीं आ रहा किसी को भी ए, ए क्या है यहाँ पे. सी यहाँ पे एपी के टर्म्स क्या है, वन टू थ्री फोर, एंड जीपी के टर्म्स क्या है, वन वन बाय फोर, वन बाय सिक्सटीन, वन बाय सिक्सटी फोर, ये जीपी के टर्म्स है. तो यहाँ से आपको ए मिलेगा, फर्स्ट टर्म इज वन, कॉमन डिफरेंस इज वन, यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो मिलेगा दैट इज वन बाय फोर. तो करो कैलकुलेट एस इन्फिनिटी. मैं यहां पे कैलकुलेट करते जाता हूं, आप भी अपने बुक्स में कैलकुलेट करो. ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर द होल स्क्वायर, सो दैट इज फोर बाय थ्री प्लस वन बाय फोर डिवाइडेड बाय 3 by 4 the whole square. So that is 4 by 3 plus 1 by 4 into 4 square by 9, which is 4 by 3 plus 4 by 9. ये आ रहा है. इसको और आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा, which is 4 common निकाल दो, 1 by 3 plus 1 by 9, which is 4. LCM, डिनोमिनेटर इनका सेम बनाना है. सो 3 बाय 9 प्लस 1 बाय 9, सो दैट इज 4 इंटू 4 बाय 9, 16 बाय 9. दिस इज एस इन्फिनिटी. क्लियर हुआ सम ये. All of you have to comment, बताना है follow कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो. जो मैंने instructions दिए, recording देखी होगी, खुद से practice की होगी, तो आपको issues नहीं आएंगे इसमें. चलो इसमें ट्राई करो. एस इन्फिनिटी आपको निकालना है, अगर इसके इन्फिनाइट टर्म्स लिए जाए तो एस इन्फिनिटी क्या आएगा. तो फाइंड आउट एपी पार्ट. चलो आप डायरेक्टली बताओ, एपी आप लिखो, एपी का ए एंड डी बताओ, एंड यहाँ पे जीपी होगी, जीपी का आर क्या है, तीनों चीजें निकालो.
Now, if you carefully analyze over here, AP is 3, 6, 9, 12. And the GP is 1, 1 by 5, 1 by 25, 1 by 125. So, common ratio is 1 by 5. Most of you have got it correct. A is 3, common difference is 3. तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर द होल स्क्वायर विच इज 15 बाय 4 प्लस 3 बाय 5 4 बाय 5 द होल स्क्वायर सो दिस इज 15 बाय 4 प्लस 3 बाय 5 divided by 4 square by 5 square. So that is 15 by 4 plus 3 by 16 into 5. So that is 15. 15 common nikal do. 1 by 4 plus 1 by 16. LCM laga do. Denominator same banao. To yahan pe aega 5 by 16. So the answer is 75 by 16. लास्ट क्वेश्चन इसका है लाइक दिस वन माइनस फोर बाय थ्री सेवन बाय नाइन माइनस इलेवन बाय ट्वेंटी सॉरी माइनस टेन बाय ट्वेंटी सेवन ओके सेपरेट आउट द एपी पार्ट एंड द जीपी पार्ट एंड टेल मी एपी का ए क्या है बी क्या है जीपी का आर क्या है तीनों चीजें फाइंड आउट करो So over here, AP is 1, 4, 7, 10. And the GP component is 1, minus 1 by 3, 1 by 9, minus 1 by 27, and so on. ऐसा आएगा क्योंकि अगर आप इन दोनों को multiply करके देखते हो if you multiply them, तो आपको यही वाला sequence मिलता है तो यहाँ पे ए है वन बी है थ्री एंड कॉमन रेशियो है माइनस वन बाय थ्री तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दो एस इन्फिनिटी इज ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर बाय वन माइनस आर द होल स्क्वायर सो दैट इज थ्री बाय फोर माइनस वन बाय यहाँ पे कितना आएगा फोर बाय थ्री द होल स्क्वायर थ्री बाय फोर माइनस नाइन बाय सिक्सटीन सो थ्री बाय फोर कॉमन निकाल दो वन माइनस थ्री बाय फोर सो दैट इज थ्री बाय फोर इंटू वन बाय फोर विच इज थ्री बाय सिक्सटीन दिस इज द फाइनल आंसर सो अगर आपको वो डेरिवेशन क्लियर नहीं है एस एन और एस इन्फिनिटी का फिर से रिकॉर्डिंग देखो आज एस एन एंड एस इन्फिनिटी इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड है वो देखो और फिर ये रिकॉर्डिंग देखो जो आज हमने की हुई है और फिर से ये सम्स निकालने की कोशिश करो फिर अगर आपके पास डाउट्स आते हैं तो बताओ प्लेन ऐसा आप बोल ही नहीं सकते कि डाउट है रिकॉर्डिंग ढंग से मैंने बताई हुई है उसमें डेरिवेशन अच्छे से बताया हुआ है अगर आपको ये फॉर्मूला ही क्लियर नहीं है तो आपका काम पहले ये बनता है कि रिकॉर्डिंग देखो खुद से समझो और अपने हाथ के नीचे से बहुत सारी चीज़ें ही निकालो इलेवेंथ टेंथ जैसा नहीं है इलेवेंथ साइंस इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अपने हाथों के नीचे से निकालनी पड़ेंगी इवन इफ यू हैव अंडरस्टूड इट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ठीक है तो अपना ये एक्सरसाइज जो है यहाँ पे ख़त्म होता है एंड यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं एंड लेट मी नो द डाउट्स ऑन मंडे तब तक सैटरडे एंड संडे आप काम करो इन चीज़ों पे ऑन दिस एक्सरसाइज पर्टिकुलरली एक्सरसाइज 2.5